पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, झूठ फरेब का खेल खेल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तब भी उसकी कोई पूछ नहीं। ऐसे में हर मोर्चे पर पिट रही इमरान खान सरकार अब सबसे नीच हरकत पर उतर आई है। इमरान खान ने अब भारत के खिलाफ मासूम बच्चों में जहर घोलना शुरू कर दिया है। जरा सुनिए, क्या ये बच्चों का दिमाग है? इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले। जरा सोचिए, कौन भर रहा है ये जहर? मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। जरा समझिए, इमरान को इससे क्या मिलेगा? फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बातों मना के देंगे। यह है कश्मीर पर इमरान की बच्चा फौज। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, जगह जगह झोली फैलाकर लोन मांग रहे हैं इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में जन सैलाब उतरा हुआ है, विरोधी एकजुट हैं, इमरान को डेडलाइन मिल चुकी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी कराकर भी कश्मीर राग छिड़े हुए हैं इमरान। लेकिन जब कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा तो जिहाद के नाम पर उतार दी बच्चा फौज। जरा सुनिए, इस बच्चा फौज को क्या सपने दिखाए जा रहे हैं? इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जहां आतंकियों ने आर्मी स्कूल पर हमला कर 100 से ज्यादा बच्चों को मार डाला था। उस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की आंखें भी नम हो गई थी। उन आतंकियों के दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया गया था कि वो सारी इंसानियत को भूल गए। अब इन बच्चों को भी जिहाद थी कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले इस्लामिक स्टेट के बगदादी पर आरोप लगे थे कि उसने पश्चिम के साथ युद्ध के लिए बच्चों को उतार दिया है। अपनों के लिए गुलजार भी है, दुश्मन के लिए तलवार भी है। अब तक यही सामने आता रहा है कि पाकिस्तान सरकार अपनी किताबों में झूठ के जरिए भारत के प्रति नफरत पैदा करती रही है। यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI POK में आतंकी संगठनों के साथ जबरदस्ती बच्चों की रैली निकलवा कर भारत के खिलाफ नारेबाजी करवा रही है। इसके बाद ISI बच्चों का वीडियो बनाकर वायरल कर रही है। ऐसे सारे वीडियो में बच्चे जंग की बात करते नजर आ रहे हैं। इस बार तो इसके लिए एक मीडिया एजेंसी का सहारा भी लिया गया। पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। जिस मीडिया एजेंसी ने वीडियो बनाया है उसका नाम है मास मीडिया प्रोडक्शन। 9 अक्टूबर को वीडियो अपलोड किया गया। हालांकि उसके अपने YouTube चैनल पर वीडियो को देखने वाला कोई नहीं है, पर ISI इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करवा रही है। सामने ये भी आ रहा है कि वीडियो बनवाने के लिए इस्लामी जमायत तलाबा कराची संगठन का सहारा लिया गया है। इस संगठन का काम ही है छात्रों के बीच पहुंचकर नफरत के बीज बोना। ये संगठन दूसरे धर्मों का विरोध करता है और शिक्षा में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा का समर्थन करता है। अब इसी सहारे से समर्थन जुटाने की कोशिश पाकिस्तानी सरकार कर रही है। इमरान का मकसद लगता है कि वो बच्चों के सहारे लोगों को भावनात्मक रूप से उकसा सके ताकि उन्हें कश्मीर पर समर्थन मिल सके। अभी का सच ये है कि पाकिस्तान की जनता गरीबी, महंगाई और खराब हालात पर सवाल कर रही है, जिसका जवाब इमरान के पास नहीं है।